नमस्कार, अनुदेशक न्यूज़ में स्वागत है आपका। अनुदेशक शिक्षा मंत्री में शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों को लेकर। 1 अप्रैल से प्री प्राइमरी की क्लास शुरू हो रही है। विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं आज का ये खास न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। 1 अप्रैल 2022 से प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी केंद्रों पर संचालित होंगी। शिक्षक और आंगनवाड़ी मिलकर संचालित करेंगे प्री प्राइमरी की कक्षाएं। यूपी में विशेष शिक्षा मंत्री को अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र निदेशक एवं शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। योगी 2.0 सरकार देगी 100 दिन में कई नौकरियां एवं अन्य रोजगार। यहां पर अब खबर विस्तार से। वैश्विक शिक्षा मंत्री से मिले बीटीसी शिक्षक संघ पदाधिकारी। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए पिछले बजट सत्र में मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी, जो कि अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसे जल्द लागू कराने के लिए मांग उठाई है साथियों। ऐसा ही अनुदेशकों के कई लीडर्स ने किया है और शिक्षा मंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा, अपनी मांग रखी और उनसे मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। शिक्षा मंत्री जी ने इन समस्त शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उचित कदम उठाएंगे और आपकी बात सरकार के समक्ष रख कर जो भी उचित रास्ता होगा वो निकाला जाएगा और समस्त समस्याओं को हल करवाने का काम हमारी सरकार करेगी। जैसा कि आप जानते हो, 2.0 योगी सरकार शुरू हो चुकी है और योगी जी ने वादा किया है कि 100 दिन के अंदर वो कई नौकरियां देंगे और रोज़गार देंगे। 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है, जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां और रोज़गार देने का मौका देने जा रहे हैं, ऐसा समाचार आ रहा है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 लोगों को रोज़गार देगी योगी सरकार। 5 साल का लक्ष्य भी तय किया है योगी सरकार। यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों के युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है। ये अनाउंसमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने किया है अपनी 2.0 सरकार शुरू होने से ही। सीएम योगी ने अपने 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने का संकल्प तेजी से पूरा करना है। भाजपा का दावा है कि योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है, ऐसा सरकार का मानना है। साथियों, उन्होंने वादा किया है कि हम अपनी सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार का मौका देने जा रही है हमारी सरकार और जल्द से जल्द युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार हर मदद करेगी। पूर्व की तरह स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए MSME और ODOP योजना के तहत युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया। रोजगार कामगारों को, श्रमिकों को स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी पारी शुरू हो रही है, इसके तहत उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और घोषणाएं की हैं। दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को
प्राथमिकता पर रखने के निर्देश भी दिए हैं। युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा और घोषणाएं की जा रही हैं। यहां पर एक और अच्छी खबर है, कल से प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पीलीभीत से खबर आ रही है, 1 अप्रैल से नए शैक्षिक सत्र का आगाज हो जाएगा। स्कूल कॉलेजों में नए सत्र की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इसी क्रम में ज़िले के परिषदीय स्कूलों के कैंपस में बने आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 अप्रैल से प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जहां पर नौनिहालों को शिक्षा देना शुरू किया जाएगा। प्री प्राइमरी में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती हैं एवं अब वहां शिक्षा भी दी जाएगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं के तहत बच्चों के अभिभावकों को दलिया समेत अन्य चीज़ें पूर्व से मिल रही हैं। नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों पर विधिवत अब प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होंगी, इसमें शिक्षक मदद करेंगे। इसके लिए जनपद के आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है प्रदेश के समस्त जिलों में। यहाँ पर भगवंत मान जी ने एक कमेंट किया है, एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर के माध्यम से, मैं खुद एक अध्यापक का बेटा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो अध्यापकों को लाभ देना होगा, उन्हें अपने साथ लेकर चलना होगा। हमने फैसला किया कि हमारे अध्यापकों को टंकियों से उतार कर वापस क्लासरूम में लेकर आएंगे और उनसे शिक्षा के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाएगा। ये एक क्रांतिकारी शुरुआत शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए पंजाब से शुरुआत की गई है। यहाँ पर एक विचार रखना चाहूँगा, पर्सनल अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी सांसारिक अवस्थाओं में मुस्कुराते हुए स्वयं को स्थिर रखना मेरा सकारात्मक आत्मविश्वास ही है, ना कि कथित विश्वास का अतिरिक्त अहंकार। ये संदेश आप सभी के लिए मेरा पर्सनल अन्वेषक न्यूज़ के माध्यम से। मिलते हैं अब किसी और अपडेट के साथ, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।